हेलो एवरीवन, सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें बायलाइन को दिखा जाता है जो कि सीनियर डॉक्टर से जाकर मिलती है और उनके सामने बर्थ कंट्रोल मेडिसिन का पैकेट रखती है और उन्हें बताती है कि ये उसे कल उस स्टॉकर के पास से मिला था जब वो उसका पीछा कर रही थी, जिस पे डॉक्टर से बताते हैं कि ये सारे रिकॉर्ड फैक्ट्री की मेडिकल डिपार्टमेंट की चेयरवुमन रखती है जो कि असल में मिसेस लू यानी कि शाओलू की मॉम होती है। वहीं दूसरी ओर शाओलू भी अपने घर गया होता है कुछ कपड़े लेने के लिए, तभी वहाँ पर बायलाइन भी पहुँच जाती है मिसेस लू से बात करने के लिए और वो उनसे रिकॉर्ड मांगती है कि उन्होंने अब तक किस किस को बर्थ कंट्रोल टैबलेट दिए हैं, जहाँ पे उसे मिस लू से पता चलता है कि उन्होंने सारे बर्थ कंट्रोल टैबलेट अपने घर पर ही रखे और यहीं से सबको सप्लाई करती है क्योंकि फैक्ट्री में लेडीज को उनसे ये सब मांगने में काफी शर्म आती है और उनके पास इन सबका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, जिसपे बायलाइन कहती है कि ये फैक्ट्री का सामान है तो इसलिए आपको इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए और बाकी सामान जो आपके घर में पड़ा है मैं उसे लेने आई हूँ। पर ये सुनकर बाकी सारी लेडीज उससे थोड़ी नाराज हो जाती हैं और मिसेस लू नाराज होकर उससे कहती है कि तुम भला मुझ पे शक कैसे कर सकती हो, मैं इतने सालों से फैक्ट्री के अंदर इतनी ऑनेस्टली काम कर रही हूँ और तुम कल की आई हुई लड़की मुझे सिखा रही हो। जिसके बाद बायलाइन बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे तो सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए थे जो कि उसे नहीं मिले। वहीं शाओलू भी ये सब कुछ अंदर से सुन लेता है। रात में हम देखते हैं कि बायलाइन फैक्ट्री की छत पर खड़ी होकर अकेले ड्रिंक कर रही होती है और वो बहुत किनारे खड़ी होती है तो तभी शाओलू उसे आकर खींच लेता है और उसे पूछता है कि आखिर वो सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रही है, जिस पे बायलाइन कहती है कि मैं सुसाइड नहीं कर रही थी और मुझसे ज्यादा जीने की चाहत किसी में नहीं हो सकती, जिस पे शाओलू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम चाहे जितनी भी स्ट्रांग बनो पर तुम्हारी लाइफ में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे तुम काफी परेशान हो और तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो क्योंकि मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ। ये सब सुनकर बायलाइन उसके काफी क्लोज आ जाती है, जिसपे शाओलू को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, पर तभी बायलाइन उसे बताती है कि उसने अभी अभी उस बिल्डिंग में एक लड़के को एक वुमेन को हरास करते हुए देखा, पर शाओलू को ये एक एक्सक्यूज लगता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, जिसपे बायलाइन कहती है कि तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए मुझे एक्सक्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो शाओलू उसे अपने भाई की स्केटिंग कॉम्पिटिशन में इन्वाइट करता है, जिसके बाद हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओलू अपने भाई के साथ बायलाइन के आने का वेट कर रहा होता है, पर शिनचोन वहाँ पे पहले आ जाती है और शाओलू से चिपकने लगती है, जिसके बाद शिनचोन उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहती है पर शाओलू मना कर देता है क्योंकि बायलाइन अब तक नहीं आई होती है, पर तभी वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाती है जिसे देख कर शाओलू बहुत खुश होता है। जिसके बाद सभी लोग स्केटिंग करते हैं जहाँ पे शाओलू बायलाइन को ही देखे जा रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी, जिसपे बायलाइन कहती है कि अभी तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो और फिर वो ये कंपटीशन जीत जाती है, पर ये सब कुछ देखकर शिनचोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसका ध्यान कहीं और होता है तो वो बॉस फू से जाकर टकरा जाती है। वो शिनचोन को यहाँ पे हरास करने की कोशिश करता है पर जियांग बीच में आ जाता है और तभी शिनचोन जाकर शाओलू से चिपकने लगती है, तभी गुआन वहाँ पे काफी गुस्से में पहुँचता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम मुझे मूवी पे बुलाकर खुद यहाँ पे शिनचोन के साथ स्केटिंग एंजॉय कर रहे हो। तभी शिनचोन गुआन को बताती है कि उसने वो टिकट्स वहाँ पे रखे थे ताकि वो शाओलू के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। फिर तभी वहाँ पे फायरवर्क्स जलने लगते हैं और शाओलू और बायलाइन उनके बीच से होते हुए गुजरते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद बायलाइन हॉस्पिटल में शाओलू को ट्रीट करती है, जहाँ पे शाओलू गुआन को बताता है कि वो शिनचोन को पसंद नहीं करता है, वो तो किसी और को डेट करना चाहता है, जिसपे बायलाइन कहती है कहीं वो पर्सन मैं तो नहीं हूँ क्योंकि तुम मुझे सुनाने के लिए ये सब कुछ कह रहे हो। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि शाओलू गुआन को समझा रहा होता है कि वो शिनचोन को पसंद नहीं करता है और गुआन को समझाता है कि उसे इस तरीके से गिव अप नहीं करना चाहिए और उसे इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढने चाहिए और अगर फिर भी शिनचोन नहीं मांगती है तो उससे मूव ऑन करके वो यिंग को भी डेट कर सकता है क्योंकि वो भी ये काफी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे वो उसकी तारीफ कर रहा होता है तभी यिंग पीछे से आके सारी बातें सुन लेती है और ये सब सुन के वो शर्माने लगती है, जिसपे गुआन शाओलू से कहता है लगता है ये भी तुम्हें ही पसंद करती है और शाओलू यहाँ पे परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वही दूसरी ओर बायलाइन जब अपने रूम में पहुंचती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि बायलाइन को उन चीजों को चेंज नहीं करना चाहिए जो कि उसकी नहीं है, वरना वो स्टॉकर उसका पीछा करना बंद नहीं करेगा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यिंग एकदम लड़कियों की तरह ड्रेसअप होके फैक्ट्री में पहुंचती है, जहां वो शाओलू और अपने डैड दोनों के लिए ही लंच लेके आती है, पर उसका ये ड्रेसअप देखकर सब लोग हंसने लग जाते हैं क्योंकि वो एकदम लड़कों जैसे रहती थी। यहां पे वो सब कुछ शाओलू को इम्प्रेस करने के लिए कर रही होती है पर शाओलू को तो उससे डर लग रहा होता है। फिर तभी बायलाइन वहाँ पे आती है और शाओलू को बुलाकर अपने साथ ले जाती है और उसे वो लेटर दिखाती है, तभी वो नोटिस करता है कि उस लेटर के पीछे एक सेसेमी सीड चिपका हुआ है जो कि पूरी सिटी में सिर्फ एक ही बेकरी में यूज किया जाता है और इसे वो पता लगा सकते थे कि आखिर ये किसकी हरकत है, पर बायलाइन कहती है कि इन सब में उसका काफी टाइम वेस्ट होगा। जिसके बाद वो बर्थ कंट्रोल पिल्स और वो लेटर नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं क्योंकि वो जानते थे ये सामान जिसका भी है वो उसे लेने जरूर आएगा क्योंकि कोई भी क्रिमिनल अपना एविडेंस इस तरीके से खुले में नहीं छोड़ सकता था
और ये पूरा आइडिया शाओलू का था, जिससे बायलैन इम्प्रेस भी हो जाती है। जिस पे शाओलू कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे लाइक कर सकती हो, पर बायलैन उसे काम पे ध्यान देने के लिए कहती है। जिसके बाद ये लोग वहीं खड़े होकर इस पर नजर रखते हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है। और जब नाइट शिफ्ट होती है तो काफी लोग वहाँ पे आ जाते हैं, पर तभी वो एक बंदे को ये एविडेंस हटाते हुए देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि अफांग है और ये बायलैन की दोस्त थी। और ये देखकर वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद ये डायरेक्टली उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया, जबकि बायलैन ने तो उसके साथ कुछ गलत भी नहीं किया। जिसपे अफांग उसे बताती है कि वो अब्रॉड जाके पढ़ना चाहती थी और डायरेक्टर उसे वो स्पॉट देने भी वाले थे और इसके लिए उसे स्कॉलरशिप मिलती, पर वो पोजीशन बायलैन को दे दी गई, जबकि उसने वो पोजीशन पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उसने डायरेक्टर तेंग के कहने पर भी बहुत सारी चीजें की थी। ये सुनकर बायलैन उसे समझाती है कि उसने उससे कुछ भी नहीं छीना। जिसके बाद हमें अगले दिन डायरेक्टर तेंग के ऑफिस में शाओलू को दिखाया जाता है। तभी बाहर दिखाया जाता है कि अफांग ऊपर से कूदकर सुसाइड करने वाली थी और वो सभी को बताती है कि किस तरीके से डायरेक्टर तेंग ने उसे हरास किया। ये सब सुनकर फैक्ट्री के नीचे काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सेक्रेटरी जी उसे समझाते हैं कि वो उसकी मदद जरूर करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा। पर तभी डायरेक्टर तेंग की वाइफ वहाँ आती है और कहती है कि ये सिर्फ मेरे पति के ऊपर इल्जाम लगा रहे, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। जिसके बाद अफांग वहाँ से कूदने ही वाली होती है, पर शाओलू और बायलैन छत पर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद बायलैन उसे बताती है कि वो उसके हरासमेंट की आई विटनेस है, उसने उस दिन उसे ऑफिस में देख लिया था और वो उसके लिए गवाही देगी। जिसके बाद वो अफांग को बचा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों मेडिकल रूम में होते हैं, जहाँ पे अफांग को एडमिट कर लिया जाता है और डॉक्टर आकर उन दोनों को बताता है कि अफांग को उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ेगा, इसलिए बायलैन उसके साथ वहीं पे रुकने का डिसीजन लेती है। जिसके बाद शाओलू अपने डिपार्टमेंट के वर्कर्स से मिलता है और वो उसे समझाते हैं कि उसे डायरेक्टर तेंग के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट्री के अंदर काफी पावरफुल अथॉरिटी होल्ड करते हैं। जिसके बाद शाओलू की मॉम को देखते हैं जो कि उसे कॉल करके घर बुलाती हैं, जहाँ पे वो उससे तेंग के खिलाफ अपॉलोजी लेटर साइन करवाना चाहती थी, पर शाओलू इसके लिए नहीं मानता है। जिसपे मॉम उसे समझाती है कि डायरेक्टर तेंग उसे फायर कर सकते हैं और फिर वो अपनी लाइफ कैसे बिताएगा, पर शाओलू इसके लिए नहीं मानता है। और फिर वो जियांग से जाकर मिलता है, जहाँ पर जियांग उसे सपोर्ट करता है, पर उसे भी शाओलू की चिंता थी कि कहीं उसे फैक्ट्री से फायर ना कर दिया जाए। तो वो शिनचुआन को वहाँ पे बुलाता है, क्योंकि वो डायरेक्टर तेंग की रिलेटिव थी और वो शाओलू से कहती है कि उसे भी सभी लोग उसके अंकल की वजह से जज कर रहे हैं और इसलिए उसे उसके अंकल से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अंकल तेंग उसके साथ कुछ बुरा करें। पर शाओलू अपना फैसला बदलने से मना कर देता है, क्योंकि वो सचमुच में अफांग की हेल्प करना चाहता था, क्योंकि वो सच बोल रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डायरेक्टर तेंग काफी गुस्से में होता है और सेक्रेटरी जी उससे मिलने के लिए आता है। जब सेक्रेटरी जी तो उसकी चापलूसी करना चालू कर देता है और उसे कहता है कि वो तो अफांग की साइड सिर्फ कहने के लिए ही लिया था और कहता है कि अफांग शायद मेंटली इल है, इसलिए वो ऐसे आरोप आप पे लगा रही है। पर डायरेक्टर तेंग को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है कि अगर उन्हें ये प्रूव कर दिया कि अफांग मेंटली इल है तो वो खुद को बचा पाएगा। जिसपे सेक्रेटरी जी कहता है कि बायलैन के साथ उसके काफी अच्छे रिलेशन है, तो वो अफांग का झूठा सर्टिफिकेट बायलैन से बनवा सकता है। वहीं दूसरी ओर हमें अफांग को दिखाया जाता है जो कि बायलैन से माफी मांगती है और वो बायलैन को बताती है कि डायरेक्टर तेंग उसके साथ काफी टाइम से गलत कर रहे हैं और हर बार वो उसका यूज करके उसका स्पॉट किसी और को दे देते हैं, जिसपे बायलैन को उसके लिए काफी बुरा फील होता है। तभी सेक्रेटरी जी वहाँ पे आते हैं और बायलैन के साथ बात करते हैं कि वो अफांग की मेंटल इलनेस का एक सर्टिफिकेट बना ले ताकि वो अफांग को फैक्ट्री से फायर होने से बचा सके, जहाँ वो ये भी कहता है कि अगर वो सर्टिफिकेट नहीं बनाएगी तो वो उसे भी फायर कर सकते हैं। पर बायलैन ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर में डायरेक्टर तेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ से बार बार सॉरी कह रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि उसने अफांग को हैरास नहीं किया है, पर उसकी वाइफ अच्छे से जानती थी कि वो कैसा आदमी है। पर तभी वहाँ पे अफांग आ जाती है तेंग को सबक सिखाने के लिए, जो कि उसे चाकू से डराती है, जिसके बाद वो सब कुछ बोल देता है कि उससे गलती हो गई और उसे उससे हैरास नहीं करना चाहिए था। और ये सब देखकर बायलैन और शाओलू काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और ये आइडिया शाओलू का ही था कि अगर शाओलू उसके सामने एकदम से जाएगी और उसे डराएगी तो वो सब कुछ कन्फेस कर लेगा। जिसके बाद इस बारे में अगले दिन पूरी फैक्ट्री में इन्वेस्टिगेशन होती है और सारी लड़कियां को यही कहना होता है कि डायरेक्टर तेंग एक अच्छा आदमी नहीं था। जिसके बाद अफांग से डायरेक्टर बात करते हैं और उसे बताते हैं कि वो डायरेक्टर तेंग को फायर कर देंगे और अफांग को एज अ कंपनसेशन वो फ्री में अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजेंगे, पर अफांग इन सब के लिए मना कर देती है और वो ये सब बुला सके इसलिए वो फैक्ट्री से रिजाइन करना चाहती थी ताकि वो एक अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सके, जिसके लिए डायरेक्टर भी मान जाते हैं। जिसके बाद शाओलू और बायलैन अफांग को गुड बाय कहने के लिए बाहर तक आते हैं, जहाँ पे वो इन दोनों को थैंक्स कहती है उसकी मदद करने के लिए और कहती है कि अगर वो दोनों नहीं होते तो वो उस दिन सुसाइड कर लेती और उन दोनों के ही कारण वो आज जिंदा है। उन दोनों को गुड बाय कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।